राम काज करिबे को आतुर। एक बार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर विचार किया कि हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते, पूरी सेवा अकेले ही किया करते हैं, अतः अब राम जी की सेवा का काम पूरा हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवा का पूरा काम आपस में बांट लिया। जब हनुमान जी सेवा के लिए सामने आए तब उनको रोक दिया और कहा कि आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई, आपके लिए कोई सेवा नहीं। हनुमान जी ने देखा कि भगवान को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा किसी ने भी नहीं ली है, अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। यह सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं आई थी, हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की लगन थी। जिसमें लगन होती है उसको कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। अब हनुमान जी दिन भर राम जी के सामने ही बैठे रहे और उनके मुख की तरफ देखते रहे, क्योंकि राम जी को किस समय जम्भाई आ जाए इसका क्या पता। जब रात हुई तब भी हनुमान जी उसी तरफ बैठे रहे। भरत आदि सभी भाइयों ने हनुमान जी से कहा कि रात में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, अब आप चले जाएं। हनुमान जी बोले कि कैसे चला जाऊं, रात को ना जाने कब राम जी को जम्भाई आ जाए। जब बहुत आग्रह किया तब हनुमान जी वहां से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि राम जी को ना जाने कब जम्भाई आ जाए। यहाँ राम जी को ऐसी जम्भाई आई कि उनका मुख खुला ही रह गया, बंद हुआ ही नहीं। यह देखकर सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई कि ना जाने राम जी को क्या हो गया है। भरत आदि सभी भाई आ गए, वैद्यों को बुलाया गया तो वे भी कुछ नहीं कर सके। वशिष्ठ जी आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, और सब तो यहाँ है पर हनुमान जी कहाँ है। खोज करने पर हनुमान जी छत पर बैठे चुटकी बजाते हुए मिले। उनको बुलाया गया और राम जी का मुख स्वाभाविक स्थिति में आ गया। अब सबकी समझ में आया कि यह सब लीला हनुमान जी की चुटकी बजाने के कारण ही थी। भगवान ने यह लीला इसलिए की थी कि जैसे भूखे को अन्न देना ही चाहिए, ऐसे ही सेवा के लिए आतुर हनुमान जी को सेवा का अवसर देना ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। फिर भरतादि भाइयों ने ऐसा आग्रह नहीं रखा। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।